इस क्वेश्चन में हमको बोला है कि एक एयरप्लेन इस पूरे रेक्टेंगुलर रीजन में कहीं पर क्रैश हो गया है, और हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो एरोप्लेन हमारा इस लेक के अंदर कहीं क्रैश हुआ होगा, यानी कि इस पूरे एरिया में कहीं। तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी हो जाएगी एरिया ऑफ लेक अपॉन में टोटल एरिया। टोटल एरिया हमारा ये पूरा रेक्टेंगुलर रीजन है, तो यानी कि ये हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ लेक निकालने के लिए सबसे पहले हमको इसके डायमेंशंस निकालने पड़ेंगे, तो हम सबसे पहले वही फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर ये पूरा एक रेक्टेंगुलर रीजन है, यानी कि इसकी जो अपोजिट साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी। ये पूरी साइड हमारी 9 किलोमीटर है, तो यानी कि ये पूरी भी हमारी 9 किलोमीटर की इक्वल होगी। और ये वाली साइड निकालने के लिए हम 9 में से इस 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 9 - 6 हमारा 3 होता है। तो इसका मतलब ये साइड हमारी आ गई 3 किलोमीटर के इक्वल। सिमिलरली ये वाली साइड हमारी इस साइड के इक्वल होगी, और ये है हमारी 4.5 किलोमीटर। अब ये वाली साइड निकालने के लिए हम इस टोटल में से 2 किलोमीटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 4.5 - 2 हमारा होता है 2.5 के इक्वल, तो यानी कि ये वाली साइड हमारी आ गई 2.5 किलोमीटर के इक्वल। इसको नोट कर लेते हैं। यहाँ पर लेक की लेंथ हमारी आ गई 3 किलोमीटर्स, और इसकी ब्रेथ हमारी आ गई 2.5 किलोमीटर्स के इक्वल। तो यानी कि एरिया ऑफ लेक हमारा हो जाएगा, अब क्योंकि इसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों डिफरेंट है, यानी कि ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया हमारा होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है यहाँ पर 3 किलोमीटर और ब्रेथ है यहाँ पर 2.5 किलोमीटर्स। सिमिलरली टोटल एरिया हमारा एरिया ऑफ इस पूरे रेक्टेंगल की इक्वल है। यहाँ पर भी एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। लेंथ है इसकी 9 किलोमीटर्स और ब्रेथ है इसकी 4.5 किलोमीटर। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी हमारी हो जाएगी एरिया ऑफ लेक विच इज़ 3 × 2.5 अपॉन में टोटल एरिया विच इज़ 9 × 4.5। इसको नोट कर लेते हैं। यहाँ पर एरिया ऑफ लेक हमारा इसके इक्वल आ गया, और टोटल एरिया हमारा आ गया 4.5 × 9। तो प्रोबेबिलिटी में इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये हमारा कुछ ऐसे आ जाएगा। अब आगे इसको कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले डेसिमल रिमूव कर देते हैं, क्योंकि इससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। अब न्यूमरेटर में हमारे पास 2.5 है, यानी कि डेसिमल के बाद हमारे पास एक ही डिजिट है, तो इसके डिनोमिनेटर में हमारा 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में हमारे पास 4.5 है, इसमें भी डेसिमल के बाद हमारे पास एक ही डिजिट है, तो इसलिए न्यूमरेटर में भी हमारा 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। अब 3 और 9 ये दोनों हमारे 3 के टेबल में आते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 1 3 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
हमको पता है 5 5s are 25 होता है और 5 9s are 45 होता है। अब आगे और कुछ हमारे कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 upon 9 3s are 27, यानी कि प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी 5 upon 27 के इक्वल। इसको नोट कर लेते हैं।